यहाँ कोई भी सच्ची बात अब मानी नहीं जाती, मेरे दर्द की गहराई भी जानी नहीं जाती। यहाँ कोई भी सच्ची बात अब मानी नहीं जाती, मेरे दर्द की गहराई भी जानी नहीं जाती। इस कदर मिल के मारी है मेरे कुछ अपने लोगों ने, देखता हूँ अपनी गांड पहचानी नहीं जाती। अच्छा, बद्री गुरु के पिताजी के कंडोम की फैक्ट्री है, आप लोगों को पता नहीं होगा। वही लगाना भूल गए थे तभी तो ये आया है। तो इनके पिताजी की कंडोम की फैक्ट्री है, राजू त्रिवेदी के पिताजी डॉक्टर। बचपन में दोनों साथ पढ़ते थे। एक बार राजू त्रिवेदी बड़े बीमार हुए, कई दिन स्कूल नहीं आए, तो बद्री गुरु उनके घर देखने गए। तो राजू गुरु टाइफाइड में एकदम धुत पड़े थे। अब बद्री अपनी लंठाई में गए, तुम्हारे कहा यार राजू मर्दे सुतल हुआ बीमार हो गया, लंच अटक हुआ, छह दिन से स्कूल नहीं आया, मजा नहीं आ रहा था। कहा न गए यार, बहुत 103 डिग्री बुखार है। अरे यार एक बात बता, तो यार बात यार डॉक्टर हम तो बीमार कैसे हो गए? राजू की छाट सुलट गई, साला देखने आया है, अंडबंड बोल रहा है। बद्री ही बताओ, तोरे बाप का कंडोम को फैक्ट्री है, तो पैदा कैसे हो गई? मैं अभी कुछ दिन पहले गया वहाँ चंडीगढ़ में, तो यहाँ तो मौसम ठीक था, वहाँ बड़ी ठंड थी चंडीगढ़। तो वहाँ पे एक मुस्लिम आए थे, शायर वो आए थे अपने साथ, वो क्या कहते हैं उसको, गुड़ चूत भोसला भथियान से निकले हुए पंचर लेके आए थे, तो छोटे छोटे। अच्छा, हमारे यहाँ उस साथ थे जो लौड़े लग गए, सहनाई बजाते थे पीटी पीटी, यहाँ जहाँ जाते थे भोसड़ी के साथ अपना पिल्ला लेके जाते। अब घर में तो मादर चौथ खाने को हट नहीं रहा, वहाँ फोकट में मुर्गा पेले, आयोजक की गांड फट जाए। हुआ अपना तीन चार पिल्ला लेके चला, तो कार्यक्रम समाप्त हुआ, हम लोग लौटने लगे। तो रात का समय, बस आखिरी थी, बोले लास्ट बस आ रही है, वो मिल जाए तो आप लोग स्टेशन पकड़ के निकल जाइए, ट्रेन स्टेशन चले जाइए। अब हम लोग चले, तो वो बुजुर्ग शायर पांच छह लड़का छोटे छोटे साले कुल। अब वहां बस आई, तो बस एकदम ठसा ठस भरी, नहीं जगह नहीं, जगह नहीं, हुआ यार बैठा लो, यहाँ से 3 किलोमीटर स्टेशन है। बोले नहीं एकदम जगह नहीं, दो आदमी आ सकते हैं। तो बड़ा रिक्वेस्ट किया गया कि अच्छा ये बच्चों को चढ़ा लो, तो कुल बच्चे चढ़ के चले गए। अब वहाँ गिफ्ट में, जैसे ही देखिए, मैं लंड लाया उपहार में मिला, कहीं कहीं स्मृति चिन्ह मिलता, वहाँ लाठी स्मृति चिन्ह में मिला था। तो हम लोग चले आराम से पैदल, उनके बच्चे चल गए वहाँ स्टेशन पे उतरा, हम लोग चल रहे थे, तो मैं सड़क पे लाठी धीरे धीरे ठोकते ठोकते चल रहा। गुस्सा तो बहुत आया कि मादरचोद इतना पिल्ला ना लाया होता। आराम से तो चलते गए, रात का सन्नाटा 1 बज रहा। तो चलते चलते कह रहा हूँ शायद, अरे आमा यार आवारा, ये जो लाठी लेके चल रहा है, अगर इसके नीचे थोड़ा सा रबड़ लगा लेते तो ठक ठक की आवाज न करती। मैंने कहा मादर चौध, अगर तुम रबड़ लगाए होते ना भोसले के, तो आज पैदल गांड न मारा रहे। दीवारों से सिर टकराना छोड़ दिया ये मित्रों, दीवारों से सिर टकराना छोड़ दिया, हमने भी अब गांड मराना छोड़ दिया। अरे गांड मराने का मतलब यार संघर्ष करना, मेहनत करना, गंडुए होता है एकदम से यार। दीवारों से सिर टकराना छोड़ दिया, हमने भी अब गांड मराना छोड़ दिया। स्वाभिमान है मुठ मार कर जीते हैं, उसने भी अब चूत दिखाना छोड़ दिया। अच्छा, जब शादी हुई, अजय भैया नहीं है क्या? नहीं अजय, तब इन्हीं की राजू त्रिवेदी की शादी हुई। अभय जी की शादी हुई। अच्छा, अभय जी का चश्मा देखिए, इतना मोटा चश्मा लगा है, इनकी रोशनी एकदम लौड़े लग गई, इनको एकदम नहीं दिख रहा था। तो राजू त्रिवेदी के पिताजी बहुत बढ़िया डॉक्टर थे, वो एंटीबायोटिक डॉक्टर थे, वो खतना से लेके आंख का ऑपरेशन तक करते थे, वो मतलब लौड़ा काट लेते थे आंखों के ऑपरेशन। इनको दिखता नहीं था, तो हम लोग राजू त्रिवेदी के पिताजी के पास ले गए। हमने कहा चलो यार, पहले बड़े गरीब आदमी थे,
ये तो गांड मरा मरा के काफी बड़े आदमी हो गए, अब कोई इतना रेट दे नहीं रहा। पहलवान ठीक थी, इसकी गांड अब ढीली हो गई है, गलत मत समझिए। तो अच्छा चतुर्वेदी के लगे डॉक्टर साहब क्या इलाज, डॉक्टर साहब इनको दिखता नहीं है एकदम। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हो जाएगा ऑपरेशन, दिखने लगेगा, ऑपरेशन कर दूंगा एकदम फर्स्ट क्लास दिखेगा। सही एक नंबर के भाई, गरीब आदमी भी थे, गरीब आदमी उसको कंजूस। कहा नहीं नहीं पैसा पहले ना दे, ठेका ला, हुआ 10,000 में ठेका हुआ। कहा तब पैसा दे जब हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुई, तब एक रुपया जमा ना हो। तो हम लोगों ने तैयार किया कि ठीक है भाई चलिए, इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, फिर पट्टी खोली गई। जब पट्टी खोल दिया डॉक्टर साहब ने कहा कहा यार दिख रहा है, ना एकदम नहीं अंधेरा दिख रहा है। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन सही किया, डॉक्टर को एक्सपीरियंस था। कहा ये आदमी साला पैसा नहीं देना चाह रहा, मादर चुदाई कर रहा है। बोले यार कोशिश करो देखो दिख रहा है, ना एकदम नहीं दिख रहा। तो अब राजू त्रिवेदी के बाप कैसे रहे होंगे अनुमान लगाइए। नंबर एक की कंटास नर्स रखे थे, बोला कहीं नर्स अंदर आओ, नर्स अंदर आई, नर्स अपनी शर्ट उतारो, नर्स ने उतार दिया। देखा यार स्कर्ट उतारो, नर्स ने उतार दिया। कहे आप दिख रहा है, नहीं एकदम नहीं दिख रहा है। नर्स बड़ा भी खोलो, नर्स ने बड़ा भी खोल दिया। फिर कहा पैंटी उतारो, नर्स ने पैंटी उतार दिया। गुर में उंगली डालो, नर्स ने गुर में उंगली डालना शुरू किया। इन डॉक्टर साहब ने पूछा आप दिख रहा है, कहे नहीं डॉक्टर माई के माज भगवान कसम एकदम नहीं दिख रहा। घुमा के एक झापड़ मारे, कहे माधर जो देखा नहीं हो, लौड़ा खड़ा कैसे हो गए, पूरा पैसा देना पड़ा इनको। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले हाँ। तो जब इनकी शादी हुई, अच्छा तो शादी किसी, आप जितने अपने दोस्त यार से पूछ लीजिए अपने मन की बात। कोई मर्द मादर चोरी खुल के नहीं कहता कि हमारी औरत छिनार मिली, पहले के बाद यही कहेगा बहुत बढ़िया माल की। अरे भोसड़ी वाले शादी के पहले जिसकी चुदाई होती है काउ पाकिस्तान से आती है। इनकी शादी हुई, इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी पत्नी शुद्ध थी। मैं नहीं कह रहा, राजू गुरु बता रहे थे, उसको क्या पता, मेरी उम्र इनसे बहुत कम। तो इनकी पत्नी शुद्ध मिली, तो सुहागरात के दिन गए तो कहे यार सुहागरात के बारे में कुछ जानती हो? गांव के देखे नहीं देखा, हम गांव के हमको नहीं पता कैसे क्या होता। कहे कुछ नहीं बहुत आसान है, अपना लंड खोल के दिखाया। कहे देखो कैदी है, कैदी कैदी समझती गई। हाँ उसकी पैंटी खोले, कहे देखो ये बूढ़ जो तुम्हारी है ये जेल है, कुछ और नहीं, बस कैदी जेल में आएगा जाएगा और कुछ। इनकी पत्नी समझ गई बस इतना कहे। हाँ इन्होंने शुरू किया पेलना, पेल पाल के झड़ गए, झड़ के आराम से बगल में लेट गए। पत्नी को बड़ा मजा आया, इनको हिलाई, अरे सुनिए जी कैदी बाहर है जेल खुली है। फिर दम लगाए, फिर से जुटे, फिर पेले, पेल के फिर झड़ गए, फिर लेट गए। पत्नी अभी भी गरम। कुछ देर के बाद फिर हिलाई, गया सुनिए जी जेल खुली है कैदी बाहर। यार बड़ी मादर की ओर तलब फंस गए इसको समझा। तो दूध का गिलास विलास उठा के पिए, फिर पेले, फिर पेल के लौड़े लग गए, हाँ पड़े हैं। 5 मिनट के बाद कह रही अजी सुनते हैं कैदी बाहर है जेल खुली है। क्या मादर चोर उसको उम्र कैद थोड़ी हुई है, थोड़ी देर हवा लेने दो। एक बार फिर तो मेरा लगे हाथ उठा के हाथ। अच्छा बद्री गुरु मैं देखिए एकदम ईमानदारी की बात, इतना बढ़िया कार्यक्रम चला ले जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि बेचारे बुजुर्ग आदमी जब लौड़े लगेंगे तो संचालन कौन करेगा, कैसे करेगा। हंसने की बात नहीं है, गंभीर बात है। अच्छा हर काम फटाफट बड़ी तेजी से बड़ी जल्दी में बहुत नंबर एक करते हैं। शादी हुई सुहाग रात मनाने गए। अब आजकल के जमाने में देखिए लाइट जला के लोग पेलते हैं पत्नियों को। राजू गुरु पत्नी गुरु हम लोगों के जमाने में यार शादी हो पगले 15 साले तो मेहमान रहे जबरिया उठा के पेलना पड़ता, जबरी होती भाई साहब शीशे के शीशे में मिट्टी का तेल डाल देता। देवरी बुता के गए जल्दी जल्दी पेलना शुरू किए, लंड घुसा ही नहीं रहा।
परेशान हो गए, मुझे बहुत प्योर माल मिला। क्या कह रहे बताया, तुम पहले किसी से पिलवाई नहीं हो कहा? तो बोले नहीं, पिलवाए बहुत है, लेकिन जिसने भी पेला चड्डी उतार के पेला माला जो। अच्छा, मैं जब अभी आज ही अभी मैं आ रहा हूँ हैदराबाद से कार्यक्रम से लौटकर, अब हवाई जहाज से लौटा, एक दिन में लौटना संभव नहीं था, इस कार्यक्रम में आना था। तो हवाई जहाज में हम लोग जब चेक इन कर रहे थे तो वहाँ कई बड़े बड़े लोग, अब मैं गरीब आदमी जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज पर चढ़ गया, कभी सम्मेलन के पैसे से मेरी इतनी औकात कहाँ। तो वहाँ एक आदमी टाई कोट पहने आया, मगर मेरे बगल में बैठा, क्या करते हो? मैंने कहा यार अंग्रेजी का प्रोफेसर और हिंदी का कवि हूँ। कहा मतलब पढ़े लिखे? मैंने कहा यही समझ लो, हम पढ़े लिखे नहीं है, लिखे पढ़े हैं, पहले लिखते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। कहा अच्छा अच्छा, तो बड़े जानकार हो। मैंने कहा आप क्या करते हैं सर? टाई कोट पैंट लगाए। कहा हम वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर पावर। उनका अच्छा, कहें अब आपसे रास्ता आराम से पास होगा, आपसे बात होगी, न्यूक्लियर पावर के बारे में चर्चा होगी। तो मैं जान गया माता चौथ मेरी टांग खींचेगा, न्यूक्लियर पावर के बारे में मुझको झाट पता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा वैज्ञानिक जी, मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए, तब न्यूक्लियर पावर के बारे में बात होगा। देखिए बनारस आते जाते बनारस शहर की आदत तो खराब हो ही जाती है आदमी की। मैंने कहा देखिए, बकरा, भैंसा, गधा, तीनों घास भूसा खाते हैं, तो बकरे का लंड इतना छोटा क्यों? भैंसे का लंड इतना पतला और लंबा क्यों? गधे का लंड इतना मोटा क्यों? कारण बताएं। वैज्ञानिक की राह पड़ गई, लगा सोचने, कई सब का पूछ रहे यार, हमको नहीं पता। मैंने कहा अरे मादर चोर, पता तुमको लंड का नहीं, ये बात करोगे न्यूक्लियर पावर की? तो आदमी को अपनी औकात में काम करना चाहिए। और पूरा बवाल किस मामले में है? बेकरारी ही बेकरारी है, बेकरारी ही बेकरारी है, चूत यारों बड़ी बीमारी। बेकरारी ही बेकरारी है, चूत यारों बड़ी बीमारी है, चाट कर मैंने इंतहा कर दी, आगे उसकी भी जिम्मेदारी है, ये पिलवा ले। आप लोगों को अनुभव होगा भाई साहब, गांड मरा मरा के खिलाते पिलाते घुमाते, बिग बाजार आती मॉल पिक्चर दिखाते, तब वो चूत नहीं मिलती है। बेकरारी ही बेकरारी है, चूत यारों बड़ी बीमारी है, चाट कर मैंने इंतहा कर दी, आगे उसकी भी जिम्मेदारी है, कोई ऐसी गुजार कर देखे मैंने जो जिंदगी गुजारी है, और चूत दी नहीं तो क्यों बुरा मानूं, उसकी वो चूत मुझको प्यारी है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ भाई साहब, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतने सीरियस क्या हो गए? आप लोगों के बीच नहीं होता? होता है। अब झगड़ा होने के बाद पति जो सबसे पहला काम ही करता है, वो दादा कहाँ जा रहा है? गद्दा बैठा, आज हमको कुछ काम भी करें नहीं। अरे जवन घरे होवे कोई तो हो चुकल हुई, अब जाके खाली पनिया कुछ बात वैसा कुछ चौदह वाले ही हुआ, चिंता मत करा बेटा, तुम बैठ जाओ, बवासीर तो नहीं है तुम्हारी गांड में? बैठ जाओ, खड़े का है, खड़े रहोगे कोई गांड में उंगली कर देगा। बैठो। मैंने तीन चार साल पहले बताया था ना कि जो मादर चौथ मेरी कविता बीच में छोड़ के जाता है, हिजड़ों की नस्ल में पैदा हो जाता है। नवरात्र में पैदा हुआ भाई साहब, मेरा सांप लग जाता है। तो पति पत्नी के बीच जब झगड़ा होता है तो आदमी सबसे पहला काम ही करता है कि पत्नी को चोदना बंद कर देता है, इस आशा में कि पत्नी तेल लगाएगी चलवाने के लिए। अब पत्नियां इतनी मादर चोद होती है कि उस संग मार के पड़ी रहेंगी, महीनों नहीं बोलेंगी। तो भाई साहब झगड़ा बता लिया, चोदना बंद, लेकिन काफी दिन हो गए, इनका मूड खराब हो गया, एक दिन एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ लेटी थी उसके बगलिया में जाके लगे सरका मारे था। अब पत्नी बोली कैसन मादर चोद आदमी है, वॉशिंग मशीन पड़ा लो लेकिन हथवाई से कपड़ा धो। अच्छा बड़े गुरु, यहाँ कोई अमीर है कि नहीं है? मन यादव जी है, बहुत बढ़िया। ये मेरे वो अमीर नहीं है, यादव जी है। यादव मने हुए अभिनय बोला है, मेरे ज्यादातर दोस्त अमीर हैं, और इसे भी यूपी बिहार में अहिरे याद मिलते हैं, और मुझे ये भाई साहब बड़े अच्छे आदमी हैं।
इनके अभी ठीक ठाक लग रहे हैं ना, पहले बचपन में ये लोग बड़े गरीब थे, ये थे इनके एक बड़े भाई इनके बाप, इनके पास एक भैंस थी, उसी भैंस के दूध दोहते थे इनके बाप, दूध बेचते थे, जिंदगी चल रही थी। एक दिन रात को अचानक इनकी भैंस मर गई और सुबह सो के उठते ही इनके बाप लगे रोने, एक है रोजगार का साधन, भैंस मर गई, खर्चा कैसे चले। फिर बड़े भाई रोने लगे, तो ये लगभग 16-17 साल के थे, ये भी निकले देखे भैंस मरी है, यह रोने लगे, तो रोते रोते हैरान, तो इनके घर के आगे कुआं था, उस कुएं में चुड़ैल रहती थी, वो चुड़ैल निकली, कही क्या बात है क्यों रो रहे हो, तो इनके पिताजी ने बताया कि यही भैंस थे, इसका दूध बेच के हम लोग जीते खाते थे, मर गई। तो चुड़ैल ने बोला एक शर्त है, अगर पूरी कर दो तो भैंस जी जाएगी। इनके पिता ने कहा बताओ, चुड़ैल ने कहा मुझको अगर आप 5 बार लगातार चोट दो तो भैंस जिंदा हो जाएगी। अहिर एक ऐसी जाति होती है, इतनी मादर चोदी जिद्दी होते हैं, मुसलिन पीछे नहीं हटते। इनके पिताजी धोती होती फुटिया के तैयार है, लगे चुड़ैल को चोदने, एक बार चोदे, दो ही बार चोदे, अब उम्र हो गई है, 3 बार चोदे, 4 बार चोदे, अपने मर गए। भाई सुधर मरी, बाप इधर मरा, दोनों भाई लगे रोने, बोकार छोड़ छोड़ के। चुड़ैलिया फिर निकली कुएं में से, कही अब क्या, तो मर गया तुम्हारा बाप भी, कह कुछ उपाय बताओ। इनके बड़े भैया बोले, तो चुड़ैल बोली अगर मुझको 8 बार लगातार चोद दो तो दोनों जिंदा हो जाएंगे, ये मेरा वचन है। इनके बड़े भैया तुरंत डोरी वाली चड्डी खोल के जुड़ गए, चोदना शुरू किया, वो जवान आदमी थे 25-30 साल के, चोदे 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7वीं बार में वो मर गए। अभी अकेले 15-16 साल के, अभी लगे चिल्लाने, तो चुड़ैल फिर निकली, कही अब क्या है, कही अरे किसी तरह जिला दो, जब कुल मर गए तो मैं अकेला जी के क्या करूंगा, मैं भी इसी कुएं में कूद के मर जाऊंगा। चुड़ैल बोली नहीं नहीं इसमें जगह नहीं है, अकेले हम जी, तो बता कोई रास्ता बताओ तब हम नहीं मरे। तो कही अच्छा ठीक है, हमको अगर 15 बार लगातार चोद दो तो तीनों जिंदा हो जाएंगे, ठीक है पक्का। तो चुड़ैल बोली हाँ भाई वचन दे दिए पक्का। अभी चोदना शुरू किए जवान, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, 18 बार, चुड़ैलिए मर गए। अभी अभी बाकी है, अभी बाकी है। जैसे चुड़ैल मरी तीनों जिंदा हो गए, भैंस जिंदा हो गए, इनके बाप जिंदा हो गए, इनके भाई साहब जिंदा हो गए, सब बड़े खुश हुए इनके पिताजी और भाई साहब, एक करे यार कैसे चुड़ैलिया मर गए यार, हम सब कैसे जिंदा हो गए। तो बोले चुड़ैलिया कहलस कि हमके अगर 15 बार लगातार चोद दे बात तो कुल जी जाइए, तो हमके चोदली खूब, अरे चोदले ठीक है मरल कैसे, अरे 15 बार से ज्यादा चोद दिली इस मर गए, करे तो इतना चोद ले मरे चुड़ैल मार दिले तो चोद चोद कहो बाबू, जब भैंस मर सकेला तो चुड़ैल। रमेश पांडे बैठा है कि पांडे मैं एक बार इसके घर गया तो श्राद्ध चल रहा था, देखा आंगन में कंडोम धो के सुखाया जा रहा था चिमटी लगा के, तो मैंने कहा ये क्या है पांडे, कहा देख यार हम बाघन है ना, श्राद्ध चला था नवा ना पहने इतना दिन का, ये पुरनका चोर के धोकर उठवाना यूज कर रहा था यार। पंडितवन के अलग प्रॉब्लम, मौलवी समझते हैं ना, मौलवी मुल्ला जा जाके खतना करता है, तो एक मौलवी था वो खतना करता था, तो जिसका लंड काटता था बच्चों की नुन्नी तो चमड़ा अपने झोले में रख लेता, काटते काटते उसके पास इतना चमड़ा हो गया, तो लेके आया बनारस में बैग सिलने वाले की दुकान पे गया, कहा यार एक लेदर का बढ़िया हमको सूटकेस सिल दो, कहीं जाए कार्यक्रम में तो उसमें दो चार कपड़ा रख के ले जाए, कहा हाँ चमड़ा छाट लीजिए, हम सिलने, कहा नहीं चमड़ा तुम नहीं दोगे चमड़ा हम देंगे, कहा दिखाओ चमड़ा, झोला उड़ेल दिया था इतना बड़ा बड़ा इतना टुकड़ा, वही कहा है, कहा देखो हम मौलवी हैं हम लुल्ली काटते हैं तो ये वही लेके चले आए हैं, इसी का सिलना है, सिल लोगे कि नहीं, तो बनारसी आदमी कैसे ना करे, कहा सिल लेंगे 1000 रुपया लेंगे, कहा ठीक है तो क्या 1000 रुपया मिल जाएगी कब देवे, बोला 1 हफ्ते बाद आइए। 1 हफ्ते के बाद मौलवी गया, कहा बैग तैयार मेरा सूटकेस तैयार, बोला तैयार, कहा लेकिन पहले 1000 रुपया था, 1000 रुपया ले लिया, फिर कहा लिया हुआ था हमारा सूटकेस, तो निकाल कर पकड़ाया इतना बड़ा पर्स,
हम मौलवी देख के भड़क गया, क्या करे मादर चोर, तो क्या कह रहे सूटकेस बनावे कर रहे दूसरे कपड़ा में रखा, तो कह रहे मौलवी मादर चोर देखे पहले सहलाओ थोड़ी देर कि पढ़ के सूटकेस हो जाए। अब मोदी जब से सरकार आई है भोसड़ी के हर ट्रांजैक्शन में आधार अनिवार्य, जमीन खरीदो अनिवार्य, समस्या इतनी राजू गुरु गलियारे जमाने का इतनी क्या समस्या है, कहें यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पत्नी को चोदने का तो करे पहले आधार लिंक करा लो छूट से हर चीज। दो कुंडलियां छंद देखे मित्रों आप, चूत चूत सब एक सी, चूत चूत सब एक सी, एक चूत का रंग, इसीलिए आप लोग तमाम चूतों के चक्कर मत पड़े, बिना मतलब लात खा जाते हैं क्या फायदा। चूत चूत सब एक सी, एक चूत का रंग, बड़े प्रेम से चोदिए चौड़ी हो या तंग, चौड़ी हो या तंग चूत के चोदन हारा, ऐसी चोदा चूत गांव से भय पनारा, कब या वाला देश चूत की महिमा ऐसी, सिकुड़ गए सब लंड चूत वैसी की वैसी। और दूसरा छंद देखे मित्रों, खड़ी चूत लप लप करे, खड़ी चूत लप लप कराए, पड़ी चूत टकराए, बलिहारी इस लंड की रखते ही घुस जाए, रखते ही घुस जाए, भीतर द्वंद मचाए, भीतर की सुध लेकर जब बाहर को आए, कभी आवारा देख लंड की ऐसी तैसी, लंड गयो मुरझाए चूत वैसी की वैसी। अब मित्रों मैं एक जो कविता लंबी मैं लिख कर लाया था वो उसे मैं पढ़ना चाहूंगा, ज्यादा हो गया तो कहीं बैठ जाए, आप ना लगाइए सरदार जी है मंच पे कोई कोई नहीं, अच्छा सरदार कोई लोग अच्छा लोकू चौरसिया जी है हाँ, अरे इनकी दाढ़ी कितनी गजब की है, रामनगर के अच्छा रामनगर का हुआ तब तो बहुत बढ़िया है, रामनगर में मुफ्त कमरा ले ले, ये इतने मस्त आदमी है। एक बार मेरे साथ हम लोग नाश्ता कर रहे थे, जैसे वेटर नाश्ता ले आया मैंने खाना शुरू किया, वेटर को लगे गाली देने, मैंने कहा काहे बिगड़ रहे, कहा देख रहे सर नाश्ते में बाल निकल गया, हिमाचल चोर घुसाई वाला पता नहीं कैसा नाश्ता लाया बाल निकल गया, मैंने कहा चलिए तो गलती माना बेचारा, ले गया प्लेट वापस किया, दूसरा नाश्ता ला के दिया, इन्होंने फर्स्ट क्लास खा लिया। फिर होटल के कमरे में ये रुके हुए थे, मुझे कुछ जरूरत पड़ी कि बगल वाले कमरे में चला जाऊं, तो जाके देखा दरवाजा बंद नहीं था, ढकेला तो खुल गया, आई देखा तो एक रंडी की चूत चाट रहे थे, मैंने कहा कहो चौरसिया जी एक थे बाल निकल गया तो उसको इतना गाली दिए, यहाँ पूरी छाट चाट रहे हैं, मैं देखो हमारा फालतू मत बोलो, हम सिद्धांत का पक्का आदमी है, वहाँ चावल में बाल निकला था, अगर इसके बाल में चावल निकल जाए तो इसकी मैया चोर देंगे। खैर ऐसे ऐसे मादर चोर होते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार नौकरी के लिए जब इंटरव्यू देने गए तो इनसे पूछा गया नाम, तो बता दिए फलाने चौरसिया, कहे पढ़े कहे तो हो, कहे बीए पास है, कहे अच्छा नौकरी करना चाहते हो, कहे हाँ, कहे बताओ कितने सालों का अनुभव है, कहे साहब सही सही बताएं, कहे और का झूठ बताओगे नौकरी करनी है ना, कहे साहब एकदम ईमानदारी से बताएं हमें 100 सालों का अनुभव नहीं है, 2 सालियों का अनुभव जरूर है। राजनीति की कब्र देश में पल पल खोदी जाए, राजनीति की कब्र देश में पल पल खोदी जाए, आओ मिलकर नेताओं की मैया चोरी जाए।